मुख्यमंत्री वन संपदा योजना पर पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। नीलगिरी सागवान सहित चार कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। वन मंडल में सर्वे की प्रक्रिया जारी है और मार्च से इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है। छत्तीसगढ़ में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है, फिर भी इसे और बेहतर करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वन संपदा योजना लॉन्च की है। गैर वन क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत कृषि भूमि का चयन करने के साथ वहां पर चार कैटेगरी के पौधों का रोपण करते हुए विकास किया जाना है। इसके लिए बीज से लेकर संसाधन वन विभाग की ओर से मुहैया कराए जाएंगे। पौधों के विकास के बाद किसानों के साथ अनुबंध किया जाएगा। एक अभी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के नाम से एक योजना शासन द्वारा चालू किया गया है। इसमें मेन उद्देश्य यही है जो अपना जो कृषक का भूमि पे हम लोग जो क्लोनल नीलगिरी क्लोनल का जो सागौन वगैरह इस टाइप का पेड़ को हम लगाएंगे। और इस योजना में एक जो अंतर जो पुराना योजना का इस योजना में यह एक अंतर है, इसमें जैसे ये पेड़ बढ़ जाती है उसके बाद हम अग्रीमेंट करेंगे कृषक लोगों के साथ वन विभाग, और इसमें हम बायबैक के रूप से पेड़ को हम खुद उसको खरीद भी लेंगे। बताया गया कि कोरबा जिले में योजना के अंतर्गत सर्वे की प्रक्रिया जारी है और अब तक 500 किसानों का पंजीकरण करते हुए 927 एकड़ कृषि भूमि का चयन कर लिया गया है। निश्चित रूप से मार्च 2023 से इस योजना का क्रियान्वयन कोरबा जिले में शुरू किया जाएगा। इसमें हम मेजर चीज हम यही कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर का और क्लोनल वैरायटी का हम नीलगिरी और सागौन बांस और नीलिया डुबिया करके एक नया प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ के लिए, उसको हम ये चार प्रजाति को हम खासतौर से टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या है वो जल्दी भी बढ़ने वाला प्रजाति है ये, और इससे आमदनी भी ज्यादा मिलेगा। अभी तक कोरबा वन मंडल में लगभग 923 एकड़ हमको मिल चुका है और 500 से ज्यादा लोग कृषक लोग आइडेंटिफाई किया गया है। तो हम सर्वे अभी लगातार चालू भी है, हम इसमें ये भी देख रहे हैं किसके पास सिंचाई व्यवस्था है किसके पास सिंचाई व्यवस्था नहीं है, उसको भी हम अलग अलग सर्वे कर रहे हैं, और जिसके पास सिंचाई व्यवस्था है उसको शासन तरफ से ये थोड़ा प्लानिंग चल रही है, हम मार्च से इसको योजना को लागू भी करेंगे। कोरबा जिले की पहचान यूं तो औद्योगिक कारणों से बनी हुई है, फिर भी इसके बड़े हिस्से में सघन वनों की श्रृंखला मौजूद है। पर्यावरण संतुलन के मामले में यह तंत्र अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के दौरान काफी संख्या में पेड़ पौधों को हटाना और काटना पड़ता है। इनकी भरपाई के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 10 गुना अनुपात की व्यवस्था बनाई गई है। इनके बावजूद कई मामलों में नतीजे अच्छे नहीं आ पाते। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वन संपदा योजना पर काम करने से लगभग सभी क्षेत्रों में वनों के घनत्व को बेहतर किया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।